चलिए आज हम भरतपुर चलते हैं। भरतपुर का राजस्थान के मैप में एक अपना ही स्थान है। द सिटी इज सिचुएटेड 180 किलोमीटर साउथ ऑफ दिल्ली, 178 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर एंड 55 किलोमीटर फ्रॉम आगरा, फेमस फॉर इट्स बर्ड सेंचुरी। भरतपुर में और भी बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे कि ये भरतपुर म्यूजियम। गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लोहा घर फोर्ट, एंटीक पैलेस। इस शहर को ठाकुर चूड़ामल सिंह जाट ने 1733 AD में बसाया था, लेकिन बाद में शासक राजा सूरज मल ने ही इसे सजाया और संवारा था। एक जमाने में भरतपुर शहर एक फोर्ट के अंदर बसा हुआ था। भरतपुर शहर को देखने के बाद हम निकल पड़े डीग की ओर। डीग भरतपुर जिले में स्थित एक छोटा लेकिन दिलचस्प शहर है। भरतपुर में एक बेहद पुराना महल स्थित है। इस महल का नाम डीग महल है। इसे 1772 में बनवाया गया था। भरतपुर राज के राजाओं का महल है ये। इस महल का निर्माण जाट राजा महाराजा सूरजमल ने करवाया था। डीग महल के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, चारों तरफ आपको हरियाली, आकर्षक जलाशय, फव्वारे, सुंदर मेहराबों से सजा यह महल अपने पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे राजा अपने परिवार एवं मेहमानों के साथ भोजन किया करते थे। हिंदू संस्कृति में जमीन पे बैठकर भोजन करने का प्रचलन है और मैं इसी को अनुभव करने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है? शतरंज कक्ष। क्या बात है? अभी तो ये बड़ी लास्ट महाराज की शादी का मैसूर से मिला था हमारा विजेंद्र सिंह। और सीढ़ियों पे रोशनी बनी रहे, इसके लिए पत्थर के दीपक बने हुए थे। ये आप देख सकते हैं चिराग जलाने का स्थान। ये मैं आज डीग पैलेस पे खड़ी हूँ। काफी हद तक मुझे प्रतीत हो रहा है ये मुगल कालीन सभ्यता से या मुगल कालीन स्ट्रक्चर से काफी रिलेट कर रहा है। ये देखो, फॉलो मी और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ जरूर आए क्योंकि इससे अच्छा पैलेस मैंने अभी तक नहीं देखा। Do visit to Deeg Palace. ये महल के अंदर का फाउंटेन है। गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ फव्वारे चलते होंगे। ये आप देखिए, ये है इसका पाइप। ये अभी का बनाया लग रहा है, पाइप तो अभी का लग रहा है, बट ओरिजिनल में ये ऐसा रहा होगा। और यहाँ से पानी निकलता होगा। और ये देखो आप, इस महल यानी डीग महल की स्थापत्य कला अपने आप में ही बेजोड़ है। किन्हीं जमानों में ये खूबसूरत महल ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था राजाओं का, जो कि हरियाली और फव्वारों से भरा हुआ था। इस बेहद खूबसूरत और आकर्षक महल में अब इन खूबसूरत पक्षियों का राज है। यदि आप भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं, तो सुनिश्चित कर लें कि आप इस शहर की यात्रा जरूर करें। जब भी हो राजस्थान का जिक्र, संस्कृति, इतिहास,
सब अपने आप एक साथ आ जाते हैं। यह धरती इसी तरह से जानी जाती है। राजस्थान का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ किले महल ना हो। हर किले महल के अपने किस्से हैं, अपनी कहानियाँ हैं और अपना ही इतिहास है। डीग महल को देखने के बाद हम आगे बढ़ गए श्री राधा ब्रिज वसुंधरा रिजॉर्ट की तरफ, जो कि गोवर्धन में है। ब्रिज की धरती पे बनाई यह सुंदर रिजॉर्ट है। यह रिजॉर्ट मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर गोवर्धन में है। गोवर्धन में ही वो गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। आज भी भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। इसी गोवर्धन पर्वत के करीब ही बना है यह रिजॉर्ट और यही इस रिजॉर्ट की खासियत भी है। इस रिजॉर्ट के अंदर काफी अच्छी लैंडस्केपिंग की गई है। छोटे छोटे कॉटेजेस के रूप में रूम्स हैं। सिंगल रूम, डबल रूम, स्वीट रूम, जिसमें ऑलमोस्ट सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और ये मेरा रूम है जहाँ हमने स्टे किया था। जो लोग भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं, बस रिजॉर्ट में आए, रुकें, थोड़ा आराम करें और रिजॉर्ट के बाहर आकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दें। और ये मेरा रूम है। रूम काफी बड़ा था। स्वीट रूम के साथ आपको किचन भी मिलता है जहाँ आप अपनी पर्सनल कुकिंग कर सकते हैं। और रूम के बाहर आप देख सकते हैं काफी अच्छा नजारा था। बिल्कुल आपको घर की फीलिंग आएगी। दिस इज बिग रूम। ये एक बड़ा रूम था। एंड दिस इज मी। हाय। एंड दिस इज सेकेंड रूम। ये रिजॉर्ट काफी बड़े एरिया में बना है। इसमें कुछ रेसिडेंशियल कॉटेजेस भी हैं। दिस इज मेन गेट श्री राधा ब्रिज वसुंधरा रिजॉर्ट का। और यहाँ दिन रात लोग परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा पैदल, गाड़ी, रिक्शा, किसी भी साधन से कर सकते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। तो ये जो परिक्रमा है इसका क्या है, मतलब ये कैसे होता है? ये यहीं से स्टार्ट होता है अपने गेट से? यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो क्या है? अभिमान चूर करने के खाते कृष्ण ने लीला रचाई, गोवर्धन की पूजा करो। बात ये सबके मन में बैठाई, कुपित हुए तब इंद्र देवता घनघोर बारिश कर डाली। उनकी रक्षा के खातिर अंगुली पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। अच्छा, जैसे स्टार्ट किया और कहीं पे नहीं कर पाए, छोड़ दिया, फिर वहाँ से दोबारा करो, कभी भी कर सकते हो। माय मॉर्निंग टी, आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। Thank you.
आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप अपने घर में रह रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और ये जो रिजॉर्ट है ये एग्जैक्टली गोवर्धन पर्वत के सामने ही बना है, ये इसकी खासियत है। और अगर आप पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। काफी अच्छे कॉटेजेस बने हैं जो मेरे पीछे बने हैं। एक चीज है, यहाँ मंकी बहुत है, उनसे आपको बचना पड़ेगा। तो ये परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की है। हाफ हाफ पार्ट में भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे कि आपने 12 किलोमीटर किया, फिर आप वहाँ स्टॉप हो जाओ, फिर दोबारा वहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ बंदर बहुत है। और क्या क्या फैसिलिटीज आप चलिए मेरे साथ देखिए। दिस इज गेम रूम, बिलियर्ड्स के लिए, टेबल टेनिस के लिए, व्यायाम करिए। और ये सब नहीं करना है तो आप तरल ताल यानी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करिए। रिसेप्शन हॉल, इंटीरियर काफी अच्छा है। और यहाँ के इंटीरियर को देखने के बाद अपने आप ही फील होने लगता है कि हम श्री कृष्ण जी की धरती पर हैं। ने गाय को चलाया है इस पर्वत पर। इस पर्वत पर ही गैया चराई है। और यहाँ से सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका सात से संबंध है, सात कोस की परिक्रमा लगती है और सात कोस ही यहाँ से बरसाना है और सात कोस ही यहाँ से मथुरा है और सात ही कोस ही गिरिराज जी के उस पल्ले राधा कुंड मोड़ से छोड़ से वृंदावन भी सात कोस है और नंदगांव भी सात कोस है, इससे संबंध है। और सात कोस की परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने इसको सात दिन और सात रात अपनी इस उंगली में उठाया था। और यहाँ आप स्टे हमारे इस ब्रज वसुंधरा होटल में स्टे करने के उपलक्ष्य में आप यहाँ वृंदावन भी विजिट कर सकते हैं, मथुरा भी विजिट कर सकते हैं और आपका गोकुल भी विजिट कर सकते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन शर्मा है। और आपका? मेरा नाम दलवीर सिंह। थैंक यू सो। देखिए ऐसा है, खेलना आए चाहे ना आए कोशिश जरूर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और बॉल अपनी मर्जी से नहीं जा रही तो हम अपनी मर्जी से भेज देंगे उसको। और आपको यहाँ फ्री में साइकिलिंग का मजा मिल जाएगा, मैंने यहाँ साइकिलिंग भी करी। राधे राधे जी, फिर आते हैं। काफी अच्छा स्टे था हमारा यहाँ। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलते चलते ये कहा जा सकता है कि जीवन के हर पहलू में गीता की व्याख्या की जा सकती है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बनते, ऐसा गीता में कहा गया है। और गीता के इन वचनों को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं।
चलते हैं और फिर मिलते हैं। थैंक यू।